नमस्कार, श्रृंखला लेकर के हाजिर हूं मैं आपके साथ प्रिया सिंह। हमने देश में कोरोना की तीसरी वेब का कहर भी देखा है। जी हिंदुस्तान कोरोना को हराने के मिशन पर भी लगातार डटा हुआ है। हर हाल में हम इस पर जीत पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। लेकिन मुझे इस बात का दुख अब होता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में कोरोना को हराने के मिशन को कुछ लोग अपने सियासी हितों के लिए डिरेल करना चाहते हैं। दूसरी लहर ने युवाओं को अपना निशाना बनाया और तीसरी लहर से बच्चों को अब खतरा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हर बात को राजनीतिक मुद्दा बनाने की होड़ में विपक्ष ने महामारी और वैक्सीन तक में भी सियासत करने का मौका नहीं छोड़ा है। पीएम मोदी पर हमला करने और सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए विपक्षी नेताओं ने कोरोना के मुद्दे को गले लगा लिया। अब कोरोना से जनता की सांसें टूट रही हैं। उस हालत में भी तमाम विपक्ष एकजुट होकर के महामारी को संजीवनी की तरह इस्तेमाल करने में जुटा हुआ है। देश में हर बीतते पल के साथ कोरोना फैल रहा है, लोगों की जान जा रही है और सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। तो क्या जरूरी नहीं है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम एकजुट हो, घटिया सियासत से बाज आए और दवा और वैक्सीन पर भ्रम न फैलाएं। आज इसी मुद्दे पर शंखनाद होगा। वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। चारों तरफ कोहराम है, कोरोना ने पूरे देश की कमर तोड़ रखी है। पिछले साल पहली लहर पर काबू पाने में हिंदुस्तान कामयाब रहा, लेकिन दूसरी लहर में सारी व्यवस्था चरमरा गई। जिस वक्त देश में लोगों की जान बचाना प्राथमिकता थी, उस वक्त पूरे देश में दूसरी लहर को लेकर सिर्फ सियासत हुई, बल्कि कोई इंतजाम नहीं हुए। इसी का खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा। और अब वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की चेतावनी जारी कर दी है, जिसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि क्या हम तीसरी लहर के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब भी हमारे देश को महामारी से लड़ने के लिए एकजुट होने की जरूरत होती है, उस वक्त सियासी संक्रमण तेजी से फैल जाता है। इसका सबूत दूसरी लहर में ही दिख गया, जब सियासतदानों ने हर मौके पर कोरोना और वैक्सीन को लेकर सियासत की और देश में कोरोना के खिलाफ चल रहे महामिशन को डिरेल करने की साजिश की। राहत की बात है कि अब दूसरी लहर कमजोर पड़ रही है और तीसरी लहर के आने का खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यही है, क्या थर्ड वेव से हम अपने बच्चों को बचा पाएंगे या फिर देश में तीसरी लहर के नाम पर बड़ी सियासत शुरू होने वाली है और इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जिन्होंने बचाव की जगह कभी मजहबी घेराबंदी की तो कभी डीएनए में बदलाव का भ्रम फैलाया तो कभी इलाज में खोजा गया धर्म का एंगल तो कभी इसे लेकर डर फैलाया गया। हमें पता है कि हमारा शत्रु कौन है और हमें ये भी पता है कि उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे उसे हरा सकते हैं। इस बार जनता सजग है और कोरोना के नियमों का पालन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलर्ट मोड पे हैं और लगातार क्राइसिस मीटिंग कर रहे हैं। आज जरूरत को देखते हुए सरकार ने जिस तरह से सिस्टम को दुरुस्त करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। आईसीयू वाले अस्पताल तैयार हो रहे हैं, वेंटिलेटर वाले बेड मुहैया कराए जा रहे हैं और कोरोना के मामले भी कम आ रहे हैं। उससे उम्मीद है कि हम तीसरी लहर को जरूर हरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आपको हमने पूरी रिपोर्ट दिखा दी है कि कैसे इस वक्त कोरोना महामारी देश भर में फैल रहा है और तीसरी लहर को लेकर के बच्चों पर इसका खतरा मंडरा रहा है। ये अलार्म भी लगातार बार बार दिया जा रहा है। इन सब के बीच में भी घटिया सियासत खूब चमकाई जा रही है। तमाम खास मेहमान श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। गुरु प्रकाश है, बीजेपी के स्पोक पर्सन हमारे साथ हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ऋचा सिंह हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हितेन हमारे सहयोगी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं और हितेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ अनुराग भी जुड़े हुए हैं बारको से। इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर से क्या बड़ी खबर, सबसे पहले उनका हम रुख करते हैं। अनुराग, क्या बड़ी खबर इस वक्त आपके पास?
देखिए प्रिया, इस वक्त की बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के खतरे को लेकर है, क्योंकि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20 दिनों में अच्छा काम किया गया है, इसकी वजह से कोरोना के केसेस कम हुए हैं। लेकिन जो ब्लैक फंगस के मामले बढ़े उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसे महामारी घोषित कर दिया गया है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी तमाम राज्यों को यह नोटिफाई किया जा चुका है किस बीमारी को महामारी घोषित किया जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैक फंगस को इसके खतरे को समझते हुए, इसके खतरे को देखते हुए इसे महामारी घोषित कर दिया है, और इसके बाद अब युद्ध स्तर पर इससे भी लड़ाई लड़ी जाए। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया कि पिछले 20 दिनों में उत्तर प्रदेश ने कोरोना से लड़ाई अच्छे स्तर पर लड़ी है, अच्छे काम किए गए, और इसी का नतीजा है कि लगातार कोरोना के मामले उत्तर प्रदेश में कम होते जा रहे हैं, और आगे भी इसी लड़ाई को जारी रखने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ब्लैक फंगस महामारी घोषित कर दी गई है, इसके साथ ही साथ कैसे वैक्सीन लोगों को और ज्यादा पहुंचाई जाए, लोगों तक वैक्सीन को आसानी से पहुंचाया जाए, इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम बातें कही हैं। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के अलावा कोरोना से लड़ाई को और ज्यादा सुदृढ़ करने पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल अनुराग, देखिए अब किस तरीके से ब्लैक फंगस का भी खतरा इन सब के बीच में मंडरा रहा है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रीना गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, आम आदमी पार्टी की स्पोक पर्सन है। लेकिन तमाम लोगों से एक ही सवाल होंगे सर, इस वक्त जब देश इस महामारी से जूझ रहा है, सरकार कोशिश ये कर रही है कि इससे उभरा जाए, लेकिन इस वक्त भी ऐसी घटिया सियासत हो रही है और उसकी वजह से ये वायरस लगातार लोगों पर कहर बरपा रहा है। सबसे पहले डिबेट की शुरुआत रीना गुप्ता मैं आपसे करना चाहूंगी, इस वक्त में भी क्या विपक्ष सारी चीजों को साइड रख करके केंद्र सरकार के साथ इस देश के लिए खड़ा नहीं हो सकता क्या? प्रिया जी, विपक्ष का हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे होके ही इस महामारी से लड़े, क्योंकि अकेले कोई इस महामारी से नहीं लड़ सकता। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जब दूसरी लहर कोरोना की इंडिया में शुरू हुई तो केंद्र सरकार बिल्कुल सो रही थी, और इसी के चलते हुए पूरे देश में ऑक्सीजन की, दवाइयों की, वैक्सीनेशन की कमी रही। और अब हम जब देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हम दूसरी लहर पे काबू पा रहे हैं, तो वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक एडवाइजर हैं, जो सब ये बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर से बचने का सबसे बड़ा उपाय यह है कि हम जल्दी से जल्दी पूरे देश को टीका लगवाएं, वैक्सीनेशन करें। और इसके लिए फिर भी जो लग रहा है कि फिर केंद्र सरकार फिर से जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पा रही है, और इसी का रिजल्ट यह है कि पूरे देश में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। जहां तक दिल्ली की बात है, हमारे पास 2 या 3 दिन की वैक्सीन सिर्फ बाकी है, और बाकी भी खबरें आ रही हैं पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, केरल से, सब जगह वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज फिर से केंद्र सरकार से ये गुजारिश करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी देश में वैक्सीन की संख्या बढ़ाई जाए। हमारे देश में 7 ऐसी सरकारी वैक्सीनेशन कंपनी है जो वैक्सीन बना, ममता काले ठीक है मैम, रीना गुप्ता जी ठीक है, आपको दिक्कत इस बात से है कि आप वैक्सीन की कमी है, और ये चिंता वाजिब भी है कि अगर वैक्सीन की कमी है तो उसे हम पूरा कर ले, लेकिन वैक्सीन पर भी सियासत हुई थी, इसका जवाब भी हम लेंगे। ममता काले हमारे साथ भी जुड़ी हुई है। ममता काले, इस वक्त भी ऐसी घटिया राजनीति देश भर में हुई जिसकी मार आम लोगों पर पड़ी है, पहले वैक्सीन के नाम पर लोगों को भ्रमित किया गया और अब उसी वैक्सीन को लेकर के सियासत भी चमकाई जा रही है, कहना गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं प्रिया, धन्यवाद, जो आपने बोला है सारी बातें एकदम सच हैं। जिस प्रकार की राजनीति आज सांसों और लाशों पर हो रही है, ये शर्मनाक और दर्दनाक और दुखदायी है। ये कभी सोचा नहीं होगा हिंदुस्तान के आम नागरिक ने, और खासतौर पर दिल्ली वालों ने, कि हमारी सांसों, लाशों और जीवन के ऊपर इस प्रकार से राजनीति की जाएगी। जहां तक प्रवक्ता रीना गुप्ता जी का सवाल है आम आदमी पार्टी का, ये अभी बोल रहे हैं कि वैक्सीन हमारे पास कम है। मैं याद इनको दिला दूं कि देखिए, जिस वक्त और आज भी दिल्ली को ऑक्सीजन की पर डे की जो आवश्यकता है, अगर हम सही कैलकुलेशन करते हैं आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड्स मिलाकर के, तो प्रतिदिन 130 मेट्रिक टन है। उसके एवज में इन्होंने 900 मेट्रिक टन मांगा और उसके बाद हाइतोबा मचाई कि हमारे पास पूरा आ नहीं रहा है। रीना जी, हैव सम डिसेंसी प्लीज, आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में मैं बोली नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं, तथ्य है, आप जाकर के चेक कीजिएगा, बिल्कुल फैक्ट है। जब रेमडेसिविर की कमी दिल्ली के अंदर हुई थी,
उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सरकार ने बोला जी हमको तो केवल 2500 रेमडेसिविर मिले, लेकिन जब आदरणीय हाईकोर्ट में ये बात चली गई तो पता चला कि इन लोगों बिल्कुल देखिए देखिए हाईकोर्ट से भी राज्य सरकार को फटकार लगनी शुरू हो गई है। क्या तैयारियां की हुई थी जब ठीक है मैम आपकी बातों को सुन लिया रीना सिंह जी आपकी बातों को हमने रीना गुप्ता जी सुन लिया है, ऋचा सिंह भी हमारे साथ है उनका भी मैं रुख करूंगी क्योंकि वैक्सीन पर भ्रम फैलाने का काम भी कैसे किया गया हमने देखा है। लोगों को जब ये जागरूक करना था मैम के आगे आए वैक्सीन ले उस वक्त वैक्सीन पे सवाल खड़े किए गए थे। देश राज्य इस दौर से गुजर रहा है लेकिन लाशों पर भी सियासत करने से पार्टियां बाज नहीं आ रही है, वैक्सीन पर भी सियासत हुई थी, तीसरी लहर आने वाली है जिसमें सबसे ज्यादा शिकार बच्चे होंगे लेकिन इस वक्त भी स्थिति कमोबेश पहले की तरह ही बनी हुई है। ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं, अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए, क्या बड़ी खबर अनुराग इस वक्त? देखिए प्रिया इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है जहां राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें राजधानी दिल्ली में लगातार लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होता रहा है और ऐसे में लॉकडाउन को लेकर ये बड़ी खबर है जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसी लॉकडाउन को लेकर जानकारी देते रहे। एक दो दिन में एलजी से मिलेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ये बड़ी खबर है जहां पर एलजी से चर्चा के बाद फैसला लिया जाएगा कि लॉकडाउन किया गया एक्सटेंड किया जाए या फिर लॉकडाउन को यहीं समाप्त करना होगा। 24 मई सुबह 7 बजे तक के लिए दिल्ली में पहले से ही लॉकडाउन जो है वो लागू है और ऐसे में अब एलजी से मुलाकात करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तय करेंगे कि क्या कड़ाई के साथ कुछ नियमों में ढील देना चाहिए या फिर लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। बिल्कुल देखिए अभी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी मैं कल या परसों सैटरडे या संडे को मैं एलजी साहब से बात करूंगा और हम दोनों के बीच में फिर जो भी सहमति बनेगी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो मैं आप लोगों को बता। तो बड़ी खबर है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे एलजी से और उसके बाद यह तय किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए या फिर अब ढील दी जा सकती है, क्या आज हम उस स्थिति में हैं। हालांकि तीसरी लहर का खतरा लगातार बरकरार है। हितेन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी से मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर दिल्ली की तमाम स्थितियां उनके सामने रखेंगे क्योंकि इस वक्त अगर संक्रमण के रेट की बात की जाए तो वो 4.78% है। क्या ये वो स्थिति है जहां पर दिल्ली को लॉकडाउन से मुक्त किया जा सकता है क्या या फिर कुछ ढिलाई दी जा सकती है? देखिए पूरा फैसला जो है वो एलजी पर निर्भर करता है क्योंकि दिल्ली की पूरी कमान जो है अब एलजी के हाथ में दी गई है। मुख्यमंत्री कोई भी फैसला जो है वो एलजी से बिना पूछे ले नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने कहा कि आने वाले 1 से 2 दिन में वो एलजी से मुलाकात करेंगे और चर्चा करके फिर फैसला लेंगे। हालांकि अभी जो स्थिति बनी हुई है दिल्ली में केसेस लगातार कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा जो है वो बरकरार है, मौत का आंकड़ा अभी भी 200 के पार है। तो ऐसे में क्या कुछ ढिलाई देना ताकि लोग फिर नियमों का उल्लंघन करें और फिर कोरोना का खतरा बढ़े, ये भी सवाल जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार के सामने खड़ा हो जाता है। इसलिए काफ़ी सोच समझ कर ही फैसला लिया जाएगा कि पूरी दिल्ली को एक साथ खोलना है या फिर धीरे धीरे करके खोला जाएगा क्योंकि देखिए पहले जो है सिर्फ लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद मेट्रो भी बंद कर दी गई थी तो अब धीरे धीरे खोलने का फैसला जो है वो एलजी से डिस्कशन करने के बाद ही जो है वो हो सकता है कि अगले महीने से दिल्ली खोलने का फैसला जो है वो एक एक करके खोलने का फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल क्योंकि कोरोना के मामलों में जो कमी है वो देखने को मिल रही है और इस वजह से हो सकता है कि दिल्ली को अब थोड़ी सी ढिलाई भी दे दी जाए। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है क्योंकि बात तीसरी वेव को लेकर के हो रही है और सबसे ज्यादा चिंता यही है कि बच्चे इस वेव में इसका शिकार होंगे कोरोना का। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरी वेव को लेकर के क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, बच्चों पर इसका खतरा जो है खास करके मंडरा रहा है। बिल्कुल और बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रिया और यहीं पर हमारे सरकारों के लिए बहुत ज्यादा दुरुस्त होने की जरूरत है और एकजुट होने की जरूरत है मैं ये कहूंगी क्योंकि देखिए जब हम इस बात को बोलते हैं कि तीसरी वेव में बच्चे ज्यादा संक्रमित होने की संभावना है तो ऐसे में एक तरफ जहां आम नागरिक और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, उनकी जो इम्यूनिटी पर काम करें, उनको लंग एक्सरसाइजेस कराएं, उनको हाइजीन के बारे में बताएं ताकि वो संक्रमित कम हो, तो वहीं सरकारों के ऊपर बहुत ज्यादा दामोदार आ जाता है कि आपको तैयारियां करनी है कि किस तरह के हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होंगे आने वाले समय में, बच्चे अगर ज्यादा प्रभावित होते हैं तो सरकार की क्या गाइडलाइंस रहेंगी, ताकि इस वक्त हमने अभी जो देखा कि ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में बहुत ज्यादा फेरबदल थी और लोगों को क्लियर नहीं था बहुत सारी जगह, तो वो क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, हमारे भारत में पीडियाट्रिशियंस बहुत कम है तो हमें बहुत जरूरत है कि हम अभी से पूलिंग करें और किस तरह से हम अपने स्टाफ को ट्रेन करें खासतौर से रिहायशी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में, ताकि वो
बच्चों के अगर मामले सामने ज्यादा आते हैं तो उनको हैंडल करने के लिए वो सक्षम हो उस समय। तीसरी चीज है, हमें एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी, चाहे वो हम सिटीज की बात करें या गाँव की बात करें, तो हमें पेरेंट्स को, लोगों को पहले से आगाह करना होगा कि ये लक्षण बच्चों में होते हैं, ये अगर आप शुरुआती दौर में ही देखें तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से या जो भी ऐसी तैयारी हमारे देश भर में हम जो देख रहे हैं, जो तैयारी है, जो स्थिति है, इससे लगता है कि ये काफी है, इससे बच्चों को हम बचा पाएंगे, तीसरी वेव में जो बच्चे इसका शिकार होंगे उनके लिए ये तैयारियां काफी है क्या? देखिए मौजूदा हालात में अगर आप बोले तो अगर आज भी हमारे यहाँ ज्यादा बच्चे संक्रमित होके आ जाएं तो हम आज फिर फेल हो जाएंगे, हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं बच्चों की ज्यादा संख्या को झेलने के लिए। इसीलिए आज से अगर हम तैयारी करेंगे तब हम जाकर के कर पाएंगे। और आप देख भी रहे कि कुछ राज्यों ने इसकी तरफ पहल भी करी है और उन लोगों ने इस तरफ ध्यान दिया है, लेकिन ये एक मेरे को लगता है कि पूरे पूरी नहीं है, आगे और भी सावधानी और तैयारियां करने की जरूरत है। गुरुप्रकाश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन पहले ब्रेकिंग सेंटर का करते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के मामले को लेकर के खबरें आते चली जा रही हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। ऐसे में ब्लैक फंगस से भी लोग जूझ रहे हैं, उससे भी खबरें आ रही हैं। क्या खबर अनुराग इस वक्त आपके पास? देखिए इस वक्त की बड़ी खबर प्रिया राजधानी दिल्ली से ये है, जहां कोरोना के मामलों में एक बार फिर से कमी दर्ज की गई है और इसीलिए शायद सुगबुगाहट है कि अब दिल्ली में कुछ ढिलाई जो है वो बरती जाए, जो तमाम कोरोना के नियम है। ये बड़ी खबर है दरअसल, जहां पर 24 घंटे में 3009 नए केसेस सामने आए जबकि 252 लोगों की मौत हो गई है। इस संक्रमण दर को देखना होगा और उसे समझना होगा, क्योंकि दिल्ली में लगातार संक्रमण दर लगातार कम होती जा रही है और ये लोगों के लिए राहत भरी खबर है। हालांकि दूसरी लहर का ये कहर जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तीसरी लहर का भी डर लोगों के मन में बना हुआ है और इसीलिए लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आंकड़ों में कमी जरूर है लेकिन अभी भी बहुत सारी सावधानियां बरतने की जरूरत है। प्रिया, ओवर टू यू। बिल्कुल अनुराग, देखिए आंकड़ों में कमी है लेकिन अभी भी बहुत सावधानियां बरतने की जरूरत है, और अभी तीसरी वेव में चूंकि बच्चों को बताया जा रहा है कि इसका शिकार होंगे, उसके लिए तैयारी अभी उतनी दुरुस्त नहीं की गई है। गुरुप्रकाश जी, अभी भी हम तीसरी लहर से लड़ने में सक्षम नहीं है सर, क्यों? वैक्सीन को लेकर के भी दिल्ली से भी ये खबरें सामने आई और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई, उनका कहना है कि हालांकि इधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि जितनी केंद्र हमें एक महीने के लिए दे रहा है उतनी तो 3 से 4 दिन में वैक्सीन खत्म हो जा रही है, कई सेंटर्स भी बंद हो गए दिल्ली में। देखिए प्रिया जी, हमें सबसे पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि एक अप्रत्याशित संकट था, और एंथनी फाउची जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है यूएस में, उन्होंने कहा है कि यूरोपियन देशों में जहां पे एडवांस्ड हेल्थ केयर सिस्टम है वहां भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन देखिए ऐसे मौके पे दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, या तो समाज, राजनीतिक दल, सब लोग साथ में आकर के काम करें, और दूसरा तरीका है कि आप कीचड़ उछाले, दोषारोपण करें, तू मैं पे करें, जो कि हमने देखा है कि पिछले 6 महीनों में किस प्रकार निम्न स्तर की राजनीति की है कुछ पार्टियों ने, पहली बात। दूसरी बात, वैक्सीनेशन को लेकर के हमारा रोड मैप स्पष्ट है, बार बार सरकार ने कहा है कि अगस्त से लेकर के दिसंबर तक हमारे यहां 216 करोड़ वैक्सीनेशन उपलब्ध होगा। हम लोगों ने पहले कहा था कि अगस्त तक 30 करोड़ वैक्सीनेशन हो जाएगा, आज की तारीख में हम 19 करोड़ का आंकड़ा टच करने वाले हैं। जहां आज जरूरत है कि हम सब साथ में आगे काम करें, मैं डॉक्टर महेश्वरी की बातों को सुन रहा था जी। और वो जो तीसरी वेव की कहानी आ रही है उससे हम लोग सोच करके डर जा रहे हैं, बहुत दिल दहलाने वाला मंजर होगा। लेकिन सरकार अपने स्तर पे, आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दूसरे वेव को लेकर के जो तैयारी आपने की थी उसको जस का तस रखना है, उसको हटाना नहीं है, उसको स्टैंड बाई पे रखना ठीक है, लेकिन तैयारियां और दुरुस्त करनी होगी। डॉक्टर्स भी ये मान रहे हैं कि अभी जो स्थिति हमारे सामने है उससे हम उबर नहीं पा रहे, तीसरी वेव तो इससे ज्यादा खतरनाक, और खास करके बच्चों को तीसरी वेव में जो कोरोना है वो अपना शिकार बनाएगा, अटैक करेगा। हमारे साथ ऋचा सिंह भी है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। ऋचा सिंह जी, देश को वैक्सीन के नाम पर भ्रमित करने की भी कोशिश की गई है और स्थिति इस वक्त ऐसी है कि जब लोगों को पहले दिन से बाजार में जब वैक्सीन आई, सरकारों का ये लगातार सरकार का प्रयास रहा कि लोग वैक्सीन लगवाएं, उस बीच में अखिलेश यादव का बयान कि ये बीजेपी की वैक्सीन है और इस तरीके से भ्रमित किया गया लोगों को कि लोग डर गए। अभी भी डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि एजुकेशन की कमी, अवेयरनेस की कमी है, वैसी स्थिति में लोगों को भ्रमित करना इस वक्त भी, इस संकट की घड़ी में भी। देखिए प्रिया जी, ये इस वक्त एक आपदा का समय है, महामारी का समय है, और इतिहास गवाह है कि महामारी से लड़ने के लिए पूरे देश को हमेशा एकजुट होना पड़ा। मैम लेकिन भ्रमित करने का काम किया गया ना विपक्ष की तरफ से, इस बात को मानेंगे आप? जिस वैक्सीन को लेकर के पहले दिन से आपने सवाल खड़े कर दिए, जब वैक्सीन बना वैज्ञानिकों पे सवाल खड़े हो गए, उसे आप लोगों ने ठप्पा लगा दिया, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। प्रिया जी, वैज्ञानिकों पे सवाल नहीं था, मैं आपको एकदम करेक्ट करना चाहती हूँ, सवाल बीजेपी के अप्रोच पे था।
जो कि वैक्सीनेशन को भी अपना एक कैंपेन प्रोग्राम बना लेना चाहती थी और साथ ही साथ वो वैक्सीनेशन को भी टीका उत्सव के रूप में पूरी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय अन्य देशों की नहीं, मुझे अपनी बात पूरी करने दे। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय अपनी अन्य देशों की बात कर रहे थे, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि आप अन्य देशों की बात अगर कर रहे हैं तो आपको अन्य देशों से सीखना भी चाहिए। जब कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी, तब जब छोटे छोटे देश भी ट्रेस की, टेस्ट की और ट्रीटमेंट की स्ट्रेटेजी अपना रहे थे, तो हमारा देश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घंटा बजाने को, मोमबत्ती जलाने को प्रधानमंत्री जी आके इसके लिए देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने ट्रेस, टेस्ट और ट्रीटमेंट की बात नहीं की। आज जब देश को वैक्सीनेशन की जरूरत है, आप खुद इस बात को बार बार प्रिया जी कह रही हैं कि तीसरी वेव आने जा रही है और हम कहां पे खड़े हैं, ये एक बहुत खतरनाक बात हो सकती है। अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता आंकड़ा दे रहे थे, आप आंकड़े तब दीजिए जब आप देश की जनसंख्या के अनुपात में आंकड़ों की बात। मैंने आपसे सवाल पूछा था वैक्सीन पर भी सियासत क्यों, विपक्ष ने लोगों को भ्रमित किया, विपक्ष ने लोगों को भ्रमित किया उस वक्त, कैसी कैसी बयानबाजियां थी, कैसी खबरें थी, हमने देखा था। लेकिन ये वही लोग हैं जो खुद वैक्सीन लगवाने में भी देरी इन लोगों ने नहीं की। जब शुरू हुआ वैक्सीनेशन तो ये लोग भी पहुंचे और इन्होंने भी वैक्सीन लगवाई। गुरुप्रकाश, गुरुप्रकाश जवाब दीजिए, इसको बीजेपी ने एक अपने प्रोग्राम की तरह लॉन्च करना चाहा, इसी वजह से दिक्कत आ गई विपक्ष को। समाजवादी पार्टी टीका उत्सव मनाने पे सवाल कर रही थी, साइंटिफिक अप्रोच रखने की बात कर रही थी और साइंटिफिक अप्रोच बीजेपी ने नहीं रखा। और आज ये देश जूझ रहा है इस महामारी से, तो साइंटिफिक अप्रोच ना रखने के कारण धैर्य आप रखिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इलाहाबाद में बैठी हूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आपको बार बार फटकार लगा रहा है, क्या वो भी सियासत कर रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपके पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे सवाल उठा दिए, क्या वो भी सियासत कर रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपसे लॉकडाउन लगाने के लिए कहा तो आपकी सरकार ने इनकार कर दिया, क्या वो भी सियासत कर रहा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट की हियरिंग में बैठकर आपके आंकड़ों को चेक करवाया, क्या वो भी सियासत कर रहा था? आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी सियासत कर रहा था? विपक्षी पार्टियों के ऊपर तो आरोप लगा देते हैं, लेकिन क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट के सवालों का जवाब दे पाएंगे आप? आप लोगों ने लोगों को भ्रमित किया है, नपुंसक हो जाओगे, कहना क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में अस्पताल हमारी सरकार किस तरीके से प्रदेश का हाल है, मैं उत्तर प्रदेश की हालत बताना चाहती हूँ। ब्लैक फंगस की बात कर रही थी, ब्लैक फंगस के कई केसेस इलाहाबाद के भीतर मिल चुके हैं, लेकिन सरकार ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं पूरी प्रक्रिया को, आप उत्तर प्रदेश में ये हालत हो गई है कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए और बेड चाहिए तो आपको सीएमओ ऑफिस का और डीएम का चक्कर लगाना पड़ता है। मरीज अगर सीएमओ ऑफिस और डीएम का चक्कर लगाएगा तो वो इलाज कब करवाएगा? शर्मानी चाहिए आपको। अगर आप समस्या को समस्या ही नहीं मानेंगे तो आप कभी नहीं करेंगे। ठीक है ऋचा सिंह जी, आप इस बात को मानने को तैयार नहीं है, हालांकि देश में आपको समस्या को समस्या माननी, ठीक है, समस्या को समस्या अगर विपक्ष भी समझे तो आज ऐसी नौबत नहीं आती ना, आज ऐसी नौबत नहीं आती। एक दो नहीं, कई सारे लोगों के वो ट्वीट आज भी है, वो बयान आज भी है कि किस तरीके से वैक्सीन के ऊपर सियासत हुई है। देश में जब सरकार कोशिश कर रही थी कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगवा दी जाए, वैक्सीन इजाद कर ली गई है, उस वक्त भी लोगों को भ्रमित कर दिया गया। बीजेपी की वैक्सीन है, उस वक्त भी तमाम सवाल किए गए, धर्म के नाम पर भी कई सारे एंगल इस वैक्सीन में जोड़ दिए गए, लोगों को भ्रमित कर दिया गया, डरा दिया गया। वही अवेयरनेस है जिसका नतीजा इस वक्त सामने हम देख रहे हैं, नहीं थी लोगों में तो देश पूरा जूझ रहा है। यही अवेयरनेस की बात डॉक्टर्स भी कर रहे हैं कि अभी भी एजुकेशन की कमी है इस कोरोना को लेकर के, ऐसी खबरें अभी भी आ रही है, आज ही खबरें आई हैं, लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग के पालन कर रहे हैं, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, बस इस डर से घर में रहने को मजबूर है कि बाहर निकले तो चालान काट दिया जाएगा या फिर महामारी एक्ट के तहत केस भी हो जाएगा। ये सारा डर है जो लोगों को अंदर रखे हुए है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में इन सारी चीजों को पूरा देश इस वक्त झेल रहा है। तीसरी वेव जहां बच्चों पर अटैक होना, उसके लिए हम कितने तैयार हैं? और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात के सूरत से, जहां ब्लैक फंगस को लेकर के डराने वाला मामला सामने आया, ब्लैक फंगस पर चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सूरत में 24 साल के युवक के मस्तिष्क में मिला है फंगस, सर्जरी के चौथे दिन बाद मरीज की मौत भी हो गई। अभी तक सीधे मस्तिष्क में नहीं मिला था ब्लैक फंगस, लेकिन आमतौर पर देखा जाए तो नाक और आंख से शुरू होता है ये संक्रमण, लेकिन अब सीधे ये ब्रेन में घुस गया और अगर ब्रेन तक ये पहले पहुंच जाता था तो ब्रेन डेड की भी खबरें सामने आ रही थी, स्थिति आ जा रही थी।
डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ बनी हुई, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। स्वाति महेश्वरी, ब्लैक फंगस के जिस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, ये कोरोना की तरह हम देख रहे हैं कि ये रूप भी बदल रहा है, लक्षण भी इसके अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। अभी तक आंख से शुरू होता था ये संक्रमण, नाक से शुरू होता था, लेकिन अब सीधे ब्रेन में ये पहुंच रहा है। देखिए, ये इस फंगस के साथ पहले से हमें मालूम है कि ये फंगस जो है ये मुंह और नाक के रास्ते से हमारे पहले साइनसिस को और हमारा जो नेजल पैसेज होता है उसको इन्फेक्ट करता है, और वहां से फिर धीरे धीरे आंखों में जाता है और आंखों से हमारे मस्तिष्क में चला जाता है। अब कई बार क्या होता है कि मरीज हमारे पास उस समय आते हैं जब शुरुआती दौर होता है, लेकिन अक्सर कई बार ये भी होता है कि मरीज हमारे पास तब आते हैं जब बीमारी मस्तिष्क तक फैल चुकी होती है। तो इसी वजह से हम अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशन इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन खास तौर से ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड सेवन कर रहे हैं, जिनका कि जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, या पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, HIV के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं और जो लंबे समय पर ऑक्सीजन थेरेपी पर रहे लोग हैं, ICU में रहे हैं या वेंटिलेटर्स पे बाईपैप पे रहे हैं, ऐसे लोगों में हम देख रहे हैं कि ज्यादा ये परेशानी सामने आ रही है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, और खास तौर से लोगों को अपने आप स्टेरॉयड का सेवन नहीं करना है, ये बात बहुत जरूरी होगी, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने शुरुआती के दिनों में ही और अपने आप स्टेरॉयड सेवन करना शुरू कर दिया, और ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि का ऑक्सीजन लेवल कैसा है। ऐसी स्थिति में कई बार हमने देखा कि, और अब हम देख भी रहे हैं कि भारत में म्यूकोर माइकोसिस बहुत ज्यादा हो रही है, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ये मट्टी में सोयल में ज्यादा होता है फंगस, इसलिए वहां से ये संक्रमण उठकर ज्यादा आ रहा है। तो एक अवेयरनेस होना और अर्ली लक्षण जो है इसके वो पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए, ममता काले हमारे साथ है, उनका मैं रुख करूंगी और इस पर जवाब मैं लूंगी आम आदमी पार्टी से भी, क्योंकि जिस तरीके की सियासत इस वक्त देश में हो रही है, किसी ने इस दिन की कल्पना नहीं की थी और कोई चाहेगा भी नहीं कि ऐसी स्थिति में हम जाएं जहां से उभर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन जो सियासत हो रही है इस सियासी संक्रमण का ममता काले, अब तक कोई यहां पर वैक्सीन इसकी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जब देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है उस वक्त भी हर बात पर सियासत। देखिए, पहले हमने देखा कि फर्स्ट फेज में जो पहली वेव आई थी तब लोग नहीं समझ पाए थे, इससे उबरने के तमाम तरीके देखे गए, राज्य सरकारों ने तैयारियां की, केंद्र सरकार ने तैयारी की, लेकिन दूसरी वेव के लिए भी तो हमें टाइम दिया था, उस वक्त में हम कितने तैयार थे। दिल्ली की हालत हमने देखी, ना ऑक्सीजन लोगों को मिल पा रही थी यहां पर, ना लोगों के लिए जो सरकारी अस्पताल है वहां पर हमने कैसे देखा है कि व्यवस्था थी, ना तो जो टेम्पररी कोविड के हॉस्पिटल्स बनाए गए थे वो सुचारू रूप से चल रहे थे कि लोगों को वहां भी एडमिट कर लिया जाए। अब तीसरी वेव के लिए दिल्ली दुरुस्त है, इस पर हम कैसे भरोसा कर ले। बिल्कुल प्रिया, कहां से भरोसा कर सकते हैं जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री बैक करके एक वेरिएंट और एक एक उस कोरोना वायरस के बारे में ऐसी ऐसी बातें करें जिससे देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मसार हो जाए। वो सिंगापुर वेरिएंट की बात करने लग जाते हैं, वो लगातार टीवी में अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए रहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स का कोई अता पता नहीं है। मैं डे वन से ये बात उठा रही हूं कि भाई आपकी वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक कहां है, कम से कम उनको कुछ नहीं तो टेस्टिंग सेंटर बना दिया जाता। आज तक 6 साल में दिल्ली के अंदर एक भी अस्पताल बन करके खड़ा नहीं हुआ है, बस टूल किट बनाई जा रही है, देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लोग बाग और जो चुनी हुई सरकारें हैं विभिन्न प्रदेशों की, वो ये भूल गई हैं आज कि हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है, आपकी जिम्मेदारी है। आपको पत्राचार के माध्यम से केंद्र की सरकार ने बड़े अच्छे समय पर सब कुछ बता दिया था। पहले यही लोग जब फर्स्ट वेव आई थी प्रिया, तो ये तमाम सरकारें चाहती थी जो केंद्र राज्य की हैं कि सारे के सारे जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं उनको सेंट्रल डिसेंट्रलाइज कर दे, राज्यों को दे दे। इस बार जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो कुछ लोग चिल्लाने लगे कि लॉकडाउन मोदी जी ने क्यों ना लगाए, चित भी इनकी पट भी इनकी। रीना गुप्ता, रीना गुप्ता मैम, ऐसे कैसे काम चलेगा, कैसे ऐसे लड़ेंगे। प्रिया जी, अब आप मुझे बोलने का पूरा मौका दीजिए, ममता जी ने 2 मिनट तक बोला है, शांत होके मुझे बोलने का मौका दीजिएगा आप लोग, नहीं तो प्रोग्राम पे मत बुलाया करिए। तो देखिए, जहां तक दूसरी वेव की बात है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, वैक्सीन की सप्लाई करना, रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करना, ये सारी अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 कमेटी बोल रही थी ऑक्सीजन रेमडेसिविर दिए, वाइका थोड़ी क्या हो ही नहीं जाएगी देश में, सरकार ने
जहां तक बोलते सरकार की बात है, आज की तारीख में दिल्ली में 28,000 के बेड है, 7,000 आईसीयू के बेड है, दिल्ली में सारा काम एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है और यही कारण है कि आज दिल्ली सरकार ने दूसरी वेव पर काबू किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने भी तभी पूछा था जीना, ठीक है जीना गुप्ता जी, हाईकोर्ट ने तभी पूछा भी था कि राज्य सरकारें क्या कर रही थी, केंद्र सरकारों से भी अगर बार बार ये राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमें मदद नहीं दी गई है, उस वक्त भी राज्य सरकारों की तरफ से क्या एक्शन क्या तैयारियां की गई थी मैम, पता था ना दूसरी वेव आने वाली है। सुनिए एक बात मेरी, अब सुन लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल ने कब कहा था पहली वेव में कि स्थिति ऐसी दिल्ली में कभी नहीं होगी, घर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, स्थिति ऐसी आई दिल्ली में कि घर तो छोड़िए अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थे, लोग मर रहे थे, अस्पताल पहुंच रहे हाईकोर्ट के पास कि हमारे पास 2 घंटे का ऑक्सीजन है, 3 घंटे का ऑक्सीजन है, इतने पेशेंट एडमिट है, कभी भी इनकी मृत्यु हो सकती है, यह स्थिति आ गई थी। बार बार कभी बत्रा अस्पताल, कभी अपोलो हॉस्पिटल, तमाम अस्पताल जो है वो हाईकोर्ट का रुख कर रहे थे क्योंकि सरकार सक्षम ही नहीं थी। बोलिए हाँ प्रिया जी, ऑक्सीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम केंद्र सरकार का है। आप बताइए कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उत्तर प्रदेश में क्यों ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उत्तर प्रदेश में ये बयानबाजियां क्यों की जाती है कि जिन राज्यों को वैक्सीन चाहिए सरकार वहां पहुंचा रही है, ये भी तो कहा गया ना दिल्ली सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कि दिल्ली में वैक्सीन नहीं मिल रही है, नाम बिना लिए ये इशारा कर दिया गया, जो बीजेपी शासित राज्य है वहां तो वैक्सीनेशन बड़े आराम से चल रहा है, वहां वैक्सीन की कमी नहीं हो रही है, तो केंद्र सियासत नहीं कर रही है ना वहां। सरकार क्यों नहीं पारदर्शी तरीके से जवाब जीना गुप्ता हम गुरु प्रकाश से जरूर लेंगे। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से ही जुड़े हुए हैं, क्या बड़ी खबर, ग्राउंड रिपोर्ट क्या उनके पास इस वक्त, सीधा उनका रुख करते हैं अभिषेक। जी बिल्कुल प्रिया, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूपी में कोरोना के नए मामले फिर से कमी आई है, 24 घंटे में 7,735 नए केस, 172 लोगों की मौत, अकेले गाजियाबाद में सामने आए हैं 1,003 नए केस, और गोरखपुर में 862, मेरठ में 427, नोएडा में 394 केस। लगातार जिस तरीके से केस उत्तर प्रदेश में प्रिया बढ़ रहे थे, वो केस अब देखिए घटकर कहां 7,735 आ गए, पहले 35,000-40,000 ये केस हुआ करते थे लमसम, लेकिन आज की डेट अगर बात करें 15-20 दिन के अंदर का ये डाटा है, कहां आप देखिए 7,735 ये केस पर डे आ गए, मतलब आप सोचिए कि कोरोना के जो नए मामले हैं उसमें काफ़ी कमी है, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, अगर उसके बाद गोरखपुर की बात कर ले तो ये जो तमाम इलाके हैं यहाँ पर केसेस कम हो गए हैं और जो मृत्यु दर है वो भी घटकर काफ़ी कम हो गए हैं प्रिया। बिल्कुल देखिए केसेस कम हो गए हैं, मृत्यु दर भी कम हो गया है क्योंकि यहाँ लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां लगातार लागू है। अभिषेक आप हमारे साथ बने रहिए, और जिस तरीके से अब यहां पर भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद की दरकार हमें थी, जो चीजें हमने मांगी थी वो नहीं दी जा रही थी, इस वजह से स्थिति इतनी खराब हो गई है। गुरु प्रकाश जी, तीसरी वेव को लेकर के कुछ तैयारी है केंद्र सरकार की सर, क्योंकि हर तरफ से राज्य सरकारें केंद्र सरकार की तरफ ही टकटकी लगाए बैठी हुई है कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद दी जाए तो हम राज्य को संभाले, आपकी क्या तैयारी? देखिए प्रिया जी, हमें ये देखने की आवश्यकता है कि लगातार प्रधानमंत्री जी सीएम्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, डीएम्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं, व्यापक स्तर पे समीक्षा हो रही है, जिले जिले की समीक्षा हो रही है, आज लगातार पांचवें दिन अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी जनता के सवालों का जवाब नहीं देते, ना इंजेक्शन मिल रहा है जनता को, ना ऑक्सीजन मिल रहा है, ना बेड, ब्यूरोक्रेसी में उत्तर प्रदेश की जनता फंस कर रह गई।
अगर आप अभी दिन लेकिन ऋचा सिंह आप ये भी समझिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बैठक कर रहे हैं जिला अधिकारियों के साथ, तमाम मुख्यमंत्री हैं, उस पे भी सियासत शुरू हो जाती है। कह दिया ये जाता है कि हम सब तो पुतले बने बैठे हुए थे। प्रिया जी ये सियासत नहीं है, मैं आपको वास्तविक स्थिति बताना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश में और तमाम जिलों की। ये स्थिति है कि जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, सरकार का अधिकारियों के ऊपर जनता के प्रति क्या केंद्र सरकार करेंगी तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ। ठीक है मैम, जनता के प्रति केंद्र सरकार जागरूक है, जनता के प्रति गलत तरीके से सुन लीजिए मैम, सुन लीजिए, जनता के प्रति केंद्र सरकार जागरूक है, क्या कुछ कदम उठा रही है हमने देखा, लेकिन कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है, तभी तो सवाल। हर बात में राजनीति, लाशों पे भी राजनीति शुरू हो गई। अरे उसी वैक्सीन को लेकर के जवाब दे दीजिए, जस्टिफाई कर दीजिए ना इसको मैम, वैक्सीन को लेकर के भी जवाब दे दीजिए। वैक्सीन बहुत भूमिका अहम निभा रहा है ना इस वक्त, कोशिश यही है कि वैक्सीन लोगों को दी जाए, उसके लिए भी तो सवाल केंद्र से पूछे जा रहे हैं कि शॉर्टेज क्यों है वैक्सीन की, लोगों को क्यों नहीं, जो पहली डोज भी लग गए उसके बाद दूसरी डोज को लेकर के भी सवाल पूछे गए, आप उसके बाद बच्चों को अभी तक वैक्सीन क्यों नहीं दी गई, ये भी तो विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए। लेकिन उसी वैक्सीन पर सियासत हुई थी और भ्रमित किया गया लोगों को, इस पर भी तो नजर डाल लीजिए। तो आप विश्वास मानिए कि आप भी नहीं लड़ पाएंगे, आप विपक्षियों के सवाल का सियासत देश में, ये बता दीजिए कि ये वैक्सीन कोविड की वैक्सीन लगाने से कोई नपुंसक कैसे हो जाता है, सवाल करें जरा, ये बता दीजिए देश जनता कोविड वैक्सीन लगाने से कोई नपुंसक कैसे हो जाता है, सुन लीजिए ममता काली क्या कह रही है जरा सुन लीजिए, और ये भी समझा दीजिए जरा रीता जी, बार बार जा सकते हैं देश को कि वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन कैसे है, ये देश के लिए लड़ने होता हमारी से, ये भाजपा की वैक्सीन कैसे है, और ये समझा शोभा नहीं देता है, अगर इतनी बड़ी महामारी आई तो प्रवचन का क्या धर्म होता है, प्रवचन देना धर्म ना करिए, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा होना चाहिए, उसको और सुनिए रीता जी, आप और आपके रीता जी बड़े आंकड़े करते हैं, एक आंकड़ा मैं भी बना बताती हूँ, आज आपने कभी देखा है कि हमारा जो डेथ रेट है बाकी राष्ट्रों के राष्ट्रों में इतना कम क्या करने का, जब यूएस का सबसे 10 गुना ज्यादा है, यूके का 11 गुना ज्यादा है, जर्मनी का 6 गुना ज्यादा है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं है मैम, वही तो कह रही हूँ कि राजनीति से हम बाजी नहीं आ रहे, इससे ऊपर हम उठ ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही घूम रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं पाई, तो चलिए अभी भी मौका है, अभी भी यही कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश का ही बार बार नाम क्यों ले रही है, पूरे देश की स्थिति का वो बेश एक जैसी है वो देख लीजिए, और अखिलेश यादव ने जो कहा उसका इम्पैक्ट सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों पे थोड़ी ना पड़ा, देश भर के लोग भ्रमित हुए ना, राशिद अलवी ने जिस तरीके से समर्थन कर दिया, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से बातें कही थी, एक पूरी कम्युनिटी उठ करके सामने आ गई थी कि इस वैक्सीन में क्या कुछ है, इससे आपके शरीर में क्या दिक्कत हो सकती है, धर्म के नाम पर भी सियासत यहाँ पर शुरू हो गया था वैक्सीन को लेकर के, अरे वैक्सीन को लेकर के भी सियासत कर ली, ये भी नहीं छोड़ा लश्र पर सियासत, उसके बाद आदित्यनाथ जी मानने के लिए नहीं तैयार थे कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर दवाई और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी अब तीसरी वेव, बच्चे इसका शिकार, बच्चों को अभी भी वैक्सीनेट नहीं किया गया है, और अभी ट्रायल सफल हुआ तो वैक्सीनेशन बच्चों को दिया जाएगा, लेकिन बच्चों के सामने दिक्कत यह है कि ब्लैक फंगस भी अभी तीसरी वेव से पहले बहुत ज्यादा आक्रामक हो रहा है, इससे कैसे हम बचेंगे? देखिए बहुत जरूरी है समझना कि जब हमारे पास अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है तो हमें एडल्ट वैक्सीनेशन को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जितना ज्यादा हम बड़े लोगों को वैक्सीन पहुंचा पाएंगे उतना ज्यादा हम बच्चों को ऑटोमेटिकली सेव भी कर पाएंगे, क्योंकि यही हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे, तो कहीं ना कहीं पहली बात यह है कि हमारे पास जरूर अगस्त में वैक्सीन ज्यादा होंगी, लेकिन अगस्त तक का जो वक्त है वो हमें टाइड ओवर करना है, क्योंकि तब तक हम तीसरी वेव की तरफ काफी बढ़ जाएंगे
जाएंगे। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट चाहिए कि किस तरह से हमारी वैक्सीन जो है आने वाले समय में बढ़ सकती है, और ये जो 3-4 महीने है इसमें हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ब्लैक फंगस की बात करें तो बच्चों में ये संभावनाएं हम तब देख सकते हैं अगर हमारी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आज की तारीख में बच्चों के लिए भी क्लियर नहीं हो। अगर जिस तरह से हमने देखा कि बड़े लोगों को स्टेरॉइड्स मिली, बहुत ज्यादा मिली, लोगों को सही से पता नहीं था, यही सूरत अगर बच्चों में बनती है ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को लेकर के, तो ये एक बड़ी समस्या बन सकती है। लेकिन आज के लिए मैं जरूर ये बोलूंगी कि हमें जो पेरेंट्स हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा इस वक्त ध्यान रखने की जरूरत होगी कि किस तरह से हमें डाइट पर बच्चों के ध्यान रखना है ताकि उनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो, किस तरह से हमें उन्हें हाइजीन के बारे में सिखाना है ताकि वो समय से हाथ धोएं, साबुन और पानी का इस्तेमाल करें, उसकी अहमियत को समझें, कैसे हमें लंग एक्सरसाइजेस और दूसरी एक्सरसाइजेस जो है हम अपने बच्चों को घर में करा सकते हैं। और डॉक्टर स्वाति, आपने कहा कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बड़ों को भी वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि बच्चे कम से कम संक्रमित हो, और हमारे साथ गुरुप्रकाश जी भी है। गुरुप्रकाश जी, बड़ों को वैक्सीनेट करना प्राथमिकता है, बच्चों को भी वैक्सीन देनी है, वो भी प्राथमिकता, लेकिन पहली वेव में देखा हमने बुजुर्गों को खोया, दूसरी वेव युवाओं को अटैक करता नजर आया क्योंकि उतने बड़े लेवल पे स्तर पे वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, और जब अब बच्चों तक भी बात जारी है सर, तो हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज की भी खबरें सामने आ रही है। तमाम राज्य सरकारें भी कह रही है कि कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े क्योंकि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, यह भी कहा जा रहा है। इससे कैसे निपटेंगे? तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहे लेकिन तैयारी नहीं है हमारी। देखिए प्रिया जी, हमें ये समझने की जरूरत है कि लगातार मनसुख मंडवाड़िया जी, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी संवाद कर रहे हैं और उन्होंने एक रोडमैप देश के सामने रखा है। आज कोवैक्सिन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे वैक्सीन है जैसे जाइडस कैडिला, बायोई, जो कि जुलाई तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे। देखिए ये संकट बहुत ही अप्रत्याशित संकट था, थोड़ा समय लगता है शोध में, अनुसंधान में, लेकिन सरकार राज्य सरकार हो, नींद से जागी है, तो ब्लैक फंगस को लेकर के भी मामले जैसे बढ़ते जा रहे हैं, एंटी फंगल ड्रग्स, इंजेक्शन, इनकी कालाबाजारी ना हो, आगे ऑक्सीजन की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए क्या तैयारी? दवाइयों को लेकर के हमारी रणनीति स्पष्ट है। अभी हम लोग ने कहा कि डीआरडीओ ने 2DG को दवाई लेकर के आई है, जो रेमडेसिविर 10 अप्रैल तक 35,000 रोज मैन्युफैक्चर होता था वो 10 दिनों में 35 लाख होने लगा, तो कम से कम इसकी मैन्युफैक्चर को लेकर बढ़ोतरी हुई है। जहां तक कालाबाजारी का विषय है, गुरुप्रकाश जी, आप 10 लाख बनाएंगे और आपकी जनता कितनी अधिक है, अगर आप उसके अनुपात में आंकड़े नहीं देंगे तो आप फिर से तैयारी नहीं कर पाएंगे। सरकार डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, इसलिए हम अपने स्तर पे लगातार नवाचार को बढ़ोतरी दे रहे हैं, इनोवेशन को बढ़ोतरी दे रहे हैं, रिसर्च को बढ़ोतरी दे रहे हैं। सिर्फ इमेज मैनेजमेंट और पीआर करने में केंद्र सरकार का सारा टाइम जाता है। और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता कह रही थी ऑक्सीजन को लेकर के, अभी ऑक्सीजन का ऑडिट का बात हुआ तो बोले ऑक्सीजन है हमारे पूरी तैयारी। मैम मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन एक फाइनल कमेंट मैं रीना गुप्ता से लेना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली की स्थिति सबने देखी है, दिल्ली सरकार की पूरी तैयारी है रीना गुप्ता जी आज के, अगर हम बात करें ब्लैक फंगस से निपटने के लिए, बच्चों को इस कोरोना महामारी से बचाने के लिए? प्रिया जी, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी 2 सेंटर खोल दिए हैं ब्लैक फंगस के लिए, LNJP में और GTB में, और जहां तक कि बच्चों की बात है ऑलरेडी एक टास्क फोर्स बन चुकी है, पीडियाट्रिक टास्क फोर्स बन चुकी है जो पूरा इस बात का विश्लेषण कर रही है कि हमें कितनी पीडियाट्रिक ICU चाहिए होंगी, किस तरह के पीडियाट्रिक कॉन्सेंट्रेटर चाहिए होंगे, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए अलग तरह के मास्क की जरूरत होगी। तो दिल्ली सरकार ऑलरेडी थर्ड वेव से डील करने के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन बार बार बात यही रहती है कि केंद्र सरकार ने अभी तक वैक्सीन जो उपलब्ध नहीं करा रही है पूरे देश को, और बच्चों के लिए जो है वैक्सीन बहुत सारे देशों में अप्रूव हो चुकी है, और केंद्र सरकार को जल्दी से ज्यादा स्पीड से काम करना पड़ेगा। बार बार ये कहना रोड मैप तैयार हो रहा है, जितनी तैयारियां बहुत देर हो रही है, मौका मिला वो भी नाकाफी साबित हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का शंखनाद में शामिल होने के लिए। तो आज शंखनाद में उन तमाम सवालों को उठाया गया क्योंकि अब वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के भी सवाल खड़े किए जा रहे केंद्र सरकार पे कि पर्याप्त मात्रा में राज्यों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, तब किस तरीके से इसके ऊपर भी राजनीति की गई थी, लाशों पर राजनीति की गई, तथाकथित टूल किट एंगल भी इसमें सामने आ गया था, और तमाम तरीके की बयानबाजियां भी देखने को मिली, और हर तरीके से केंद्र सरकार से सवाल पूछे गए, घेरा गया कि आपने तैयारी क्यों नहीं की, क्योंकि राज्य को आप नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, मदद दे पा रहे हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पूरे मामले की संज्ञान ना ले, सरकार को फटकार ना लगाए।
इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में रात में अगर आप निकले तो वर्दी वाले गुंडों से आपका पाला पड़ सकता है। ये वर्दी वाले कानून पर नहीं बल्कि डंडों पर भरोसा रखते हैं, मौका मिलते ही थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें कृष्णानगर इलाके से सामने आई है, इसमें आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले कैसे एक युवक पर टूट पड़ते हैं, थप्पड़ से, लाठी डंडों से जी भरकर ये युवक की पिटाई करते हैं और इतना पीटा कि युवक की एक आंख में गंभीर चोट लग गई, जिसे केजीएमयू में भर्ती कराया गया। ये हालांकि अच्छा हुआ कि वहां सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वरना इन वर्दी वालों गुंडों की करतूत कोई देख नहीं पाता। पीड़ित ने पुलिस वालों पर रुपए छीनने का भी आरोप लगाया। परिजनों ने डीसीपी से आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की मांग की है और ऐसे वर्दी वाले ही पुलिस की छवि खराब कर रहे हैं और उन्हीं की एक तस्वीर आपके सामने। तो शंखनाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आप या आपका परिवार कोरोना से पीड़ित है और आपको घर के बने पौष्टिक खाने की जरूरत है तो आप जी हिंदुस्तान की वेबसाइट www.zeehindustan.in पर जाएं और कोई भी भूखा ना सोए टैप पर क्लिक करें। वहां पर आपको उन लोगों की एक लिस्ट खुल जाएगी, अपना राज्य आप सेलेक्ट कीजिए और इसी के बाद आपको अपने शहर से जुड़े उन लोगों के नाम और नंबर भी मिल जाएंगे जो फ्री में खाना मुहैया करा रहे हैं। जी हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ है और इस संकट की घड़ी में भी आपकी मदद करने का प्रयास जारी है।